महानता और सम्मान अर्थ का होने लग गया है आजकल. देखिए, जबकि धार्मिकता, तो मेरा एक सजेशन भी है कि अगर धर्म को, अर्थ को महानता नहीं दी जाए और धर्म को महानता दी जाए तो लोग शायद अर्थ जोड़ना छोड़ देंगे. देखिए, और धर्म से जोड़ने लगे. इस विषय में भी मैं बोल रहा हूँ आपसे. अभी आपने इस पूरी सभा में ऊपर किन्हें बिठाया है? किसको ऊपर बिठाया है? जिन्होंने सबको छोड़ा. आप लोगों ने हमें ऊपर बिठाया, हमारे त्यागियों को ऊपर बिठाया. हमारे पास कोई है? एक झेला भी नहीं है क्या? तो अर्थ से महानता है या चरित्र से महानता है? अर्थ से सम्मान मिलता है. आ रहा हूं. पहली बात, महानता अर्थ से नहीं चरित्र से है. हाँ, जो लोग अर्थ का अनुदान देते हैं उनका जो बहुमान होता है वो उनके अर्थ के कारण नहीं, उनके अर्थ के त्याग के कारण होता है. आज आपका सम्मान हुआ क्यों कर हुआ? आपने अर्थ का त्याग किया, एक अच्छा कर्म किया ना. और आपका सम्मान केवल आपको मान देने के लिए नहीं हुआ, आपके दान की हजारों लोगों ने अनुमोदना की, उनके खाते भी तो कुछ पुण्य हुआ. आपने दान किया, एक अच्छा कर्म किया कि नहीं किया? दान तो एक अच्छा कर्म है, यही अच्छा मान के किया. हाँ. उस दान को इतने लोगों ने यहाँ प्रत्यक्ष और घर बैठे टीवी पर सब लोग इसकी अनुमोदना करेंगे, तो एक अच्छे कार्य का अनुमोदन करेंगे या बुरे कार्य का? अच्छे कार्य. अच्छे कार्य का अनुमोदन करे से उनको अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा? अच्छा मिलेगा. तो फिर क्या बात है, आप भी अर्थ का त्याग कीजिए, आपको भी बहुमान मिलेगा. फिर तीसरी बात, कुछ लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है कि केवल पैसे वालों का धर्म रह गया, ये शिकायत है. अरे भैया, धर्म पैसे से नहीं होता. जितना धर्म हम करते तुम लोग थोड़ी कर पाते हो, हमारे पास कहाँ पैसा है. पैसे से धर्म नहीं होता, लेकिन धार्मिक आयोजन बिना पैसे के नहीं होता. बोलो, बिना पैसे के धार्मिक आयोजन होगा क्या? नहीं होता. और तो बिना पैसे के धार्मिक आयोजन नहीं होगा तो हम पैसे वाले को पास नहीं बिठाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? और पैसे वालों से पैसे भी लो और आंखें भी तरेरो तो कौन देगा? थोड़ा प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए. मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ? और एक को देख के दूसरे के भाव भी होते तो मिलना चाहिए ना. तो ये केवल एक प्रोत्साहन है. और जो लोग अर्थाभाव के कारण दान नहीं दे सकते ना, वो योगदान दे. तो मैं ना दान देना ना योगदान देना, ऊपर से बातें तानना, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे. तुम दान दो, योगदान दो, और ये दोनों ना दे सको तो जो दे रहा है उसका अनुमोदन करके पुण्य कमा लो. जहां तक धर्म करने का सवाल है, धर्म तो एक पशु भी कर लेता, तुम तो मनुष्य हो. नमोकार जपने के पैसे लगते हैं, भगवान का नाम लेने से कोई पैसे लगते हैं, कोई व्रत उपवास करने के लिए कोई पैसे लगते हैं. करो, खुली आजादी, किसने रोका? नहीं, आगे आने के लिए जरूरत. तो आगे आना धर्म नहीं है, मन को आगे रखना धर्म है. तुम धर्म से उच्च, ये सवाल तुम्हारा धर्म के लिए नहीं कर रहा है, धर्म की प्रेरणा से प्रेरित होकर तुम ये सवाल नहीं कर रहे हो, आगे आने के भाव से कर रहे हो. ये तुम्हारा अहंकार है. मैं पीछे भी रहूंगा तो बहुत कुछ पालूंगा, आगे आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. दान दे सको दान दो, दान न दे सको तो योगदान दो, नहीं तो मैदान में जगह बनाना बहुत मुश्किल है. ये तो चाहिए ही, इसलिए इस अवधारणा को ठीक बना लेने की आवश्यकता.